अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय चैनल, अनदर डे अनदर व्लॉग। आज मैं आई हूँ आप लोगों के साथ एक नया और बहुत ही अच्छा व्लॉग लेके। आज मैं अपने व्लॉग में आप लोगों को दिखाऊंगी कि पूरे दिन मेरी क्या क्या मसरूफियत रहेगी और मैं क्या क्या करने वाली हूँ। अभी सुबह के 7:30 हो रहे हैं और मैंने अभी यूनिवर्सिटी जाने के लिए रेडी होना है। यूनिवर्सिटी से आने के बाद भी मैं क्या क्या करूँगी पूरे दिन में, घर में शाम तक मेरी क्या मसरूफियत होगी, वो फुल फ्लेज व्लॉग आप लोगों को मिलेगा। आप लोगों ने बस करना इतना है कि वीडियो को प्लीज़ स्किप कर करके नहीं देखना। जो मेरे चैनल पे नया है वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर तो मस्ट है। तो आप लोग कंटिन्यू रखें इस व्लॉग को, आगे आप लोगों को पता चलेगा कि मैं फुल डे कैसे स्पेंड करती हूँ। नीचे चलते हैं, सबसे पहले यूनिवर्सिटी के लिए रेडी होना है। ये ड्रेस मैंने निकाला है ब्लैक और येलो कलर का, अभी यूनिवर्सिटी जाने के लिए इसको प्रेस भी किया था, बचा रही है पता नहीं क्या हालत हो गई है, इसको मैं दोबारा से प्रेस करूँगी तो, और मुझे कोई मिला ही नहीं। जल्दी जल्दी में जो मुझे ड्रेस मिला, जो कवर्ट में था वो मैंने निकाल लिया, आप लोगों को भी दिखा दिया। ये ड्रेस अभी चले पहनते हैं और जल्दी से रेडी हो जाते हैं यूनिवर्सिटी के लिए। ये देखिए जी, मैं तो रेडी हो गई हूँ, अब बस मैंने ये बैग लेके नीचे जाना है, अंकल का वेट करना है, बैग में रजिस्टर रखना है, रात को तो रखना भूल ही जाते हैं, सुबह ही चीज़ें देखनी पड़ती हैं। ये बस एक मैंने रजिस्टर रखना है और लैपटॉप होता है और एक रजिस्टर होता है और कुछ नहीं ज़्यादा होता। और असाइनमेंट है आज हमारी, वो उसकी मैंने सबमिशन डेट है आज लास्ट, वो सबमिट करानी है। चले अब नीचे चल। यहाँ पे अंकल आ गए थे और मैं ऑटो में बैठ के यूनिवर्सिटी के लिए निकल गई थी। शोर इतना था कि मुझे वॉइस ओवर यहाँ पे करना पड़ा। फिर उसके बाद मैं यूनिवर्सिटी एंटर हो गई थी, मैं अपनी डिपार्टमेंट की तरफ जल्दी जल्दी जा रही थी क्योंकि मैं एज़ यूजुअल लेट हो गई थी यूनिवर्सिटी से। फिर ब्रेक हो गई थी, ब्रेक में हमने खूब खाया पिया, इंजॉय किया। यहाँ मेरी दोस्त, इसकी रिंग गुम हो गई है, अब खाने पीने के बाद इसने रिंग गुम कर दिया है, कभी ये नीचे देख रही है, कभी बैग के पास ढूंढ रही है, लेकिन इसको इसकी रिंग नहीं मिल रही और ये बहुत ही परेशान है। आप इसके लिए दुआ करें इसको इसकी रिंग मिल जाए। सादिया, सादिया ज़रा आपको रिंग मिल गई है आपकी? सो सैड गाइज, मेरे दोस्तों ने नई जगह तलाश किया, वो आप लोगों को दिखाने लगे यूनिवर्सिटी में, जो हमने 2 सालों में नहीं देखी, ये आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे अगर कोई छुपना चाहे, कोई भी, कोई दोस्त ही, कोई बंक करना चाहे। ये हमारी यूनिवर्सिटी की कैंटीन है, अब हम कैंटीन के अंकल से इंटरव्यू लेते हैं, आए चले। अस्सलाम वालेकुम अंकल, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक, आप सुनाएं? अल्लाह का शुक्र। अंकल ये बताएं, यूसीपी में आपको कितना अर्सा हो गया है? यूसीपी में हमें तकरीबन 4-5 साल हो गए। सही, और कैसा आपका काम चल रहा है यहाँ पे? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कोऑपरेटिव बच्चे हैं, तो हर लिहाज से बेस्ट जा रहे हैं। क्या क्या है अंकल इस टाइम आपके पास? हमारे पास पिज्जा होता है, चीज चीज़ों के पिज्जा पराठा होता है, बर्गर होते हैं, सैंडविचेस होते हैं, पास्ता होते हैं, फास्ट फूड आइटम सारे। वाह अंकल, बस करे मुँह में पानी आ गया। अच्छा अंकल, ये मैं आपका क्लिप जरा मजेदार सा शूट किया है, मैं अपने फैंस को भी दिखाना चाहूंगी कि हमारी यूसीपी का एक कैंटीन कैसी है, रेड रूफ कैसा है। अब आप मेरे व्यूअर्स को क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं आपके व्यूअर्स को यही पैगाम देना चाहूंगा कि इनके चैनल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें और गुड विशेस। हाँ, ताकि वीडियोस उनको मिलती रहे। मिलती रहे। शुक्रिया अंकल, अल्लाह हाफिज। अभी अभी मैं यूनिवर्सिटी से घर आई थी, खाना खाने लगी थी, मेरी मामा भी यहाँ बैठी हुई हैं, वो भी खाना खा रही हैं, ये लोग आप देख सकते हैं, और मैं भी अभी खाना खाने लगी थी। फिर उसके बाद मैं आप लोगों को आगे बताती जाऊंगी कि मेरी आज की क्या रूटीन रही है, घर आने के बाद मैं क्या करती हूँ। अभी ज़रा सारा मैं से मेस हुआ हुआ है क्योंकि मैं अभी अभी यूनिवर्सिटी से आई हूँ तो खाना खाने लगी हूँ। मामा ने इतना मज़ेदार आज लंच बनाया है कि मुझे तो मुंह में पानी आ गया। आप लोग भी देखें, आप लोग को भी मुंह में पानी आ जाएगा, देखें बिरयानी मामा ने बनाई और इतनी टेस्टी, आप यकीन करें मेरी मामा बहुत अच्छा खाना बनाती है। तो उन्हीं से मैंने सीख सीख के, जो मैं अपने चैनल पर खाने की वीडियोस बनाती थी वो भी मैं उन्हीं से सीख सीख के बनाती थी। आप ये लुक चेक करें एक दफ़ा बिरयानी की, कितना अच्छा रिच कलर है, ये देखें। एक तो ये ऑटो वाले ने अभी गुजरना था, सारा शोर मेरी वीडियो में आ गया, ये चेक करें। शाम को मैं डॉक्टर के पास गई,
यहाँ पे मेरा डॉक्टर से टाइम लिया हुआ था बाबा ने, क्योंकि मेरे 2 ढाई साल से ट्रीटमेंट चल रहा है, ब्रेसेस लगे हुए थे, तो आज रिमूवल था ब्रेसेस का, तो मैं अपनी बारी का इंतज़ार कर रही थी। फिर यहाँ पे मेरी बारी आ गई थी, डॉक्टर बस आने लगे थे मेरे पास, मैं अपनी जगह पे बैठी हुई थी। घर में आ गई थी डॉक्टर से, डेंटिस्ट के पास से, आज काफ़ी टाइम लग गया, या आप लोग देख लें 10:30 होने वाले हैं। टाइम इसलिए इतना लग गया क्योंकि ब्रेसेस के आज रिमूवल था, तो इस वजह से उसका टाइम आज ज़्यादा लगना था। तो अभी मैं आई हूँ, रात का टाइम हो गया, तो अब खाना वगैरह घर वालों ने खाना था, तो मैं रोटी बनाने लगी थी, आप देख लें, खाने की तैयारी करने लगी थी ताकि वो लोग खाना खा लें। गाइस, रोटी मैंने बना तो लिया, लेकिन बस काबिले बर्दाश्त ही है, थोड़ी ऐसी ही बनी है, और भी बनाई है, लेकिन वो तो इससे भी कोई बुरी हालत में है, तो ये ही कुछ बेहतर हालत में लग रही थी दिखाने के काबिल, तो जैसे भी आप लोग देख लेंगे। बाकी मामा को खाना दे के अब आप लोग ये देखे, मैं किचन में आ गई थी, मेरी बहन मैक्रोनी बना रही थी। असल में सुबह उसने अपनी फ्रेंड्स के लिए भी यूनिवर्सिटी लेके जानी थी, मैंने भी अपनी फ्रेंड्स के लिए लेके जानी थी, तो मैंने कहा मैं वो व्लॉग शूट कर लूँ, एक क्लिप बना लूँ। ये देखें इतना मैस हुआ हुआ था ना घर में, तो लेकिन मैक्रोनी आप यकीन करें इतनी टेस्टी बनाई थी आप लोगों के लिए, मैंने क्लिप शूट किया है, बहुत टेस्टी थी, मुझे भी बहुत पसंद आई, मेरी फ्रेंड्स को भी। और आप देखें इसने बहुत अच्छी मैक्रोनी मेरी बहन ने बनाई थी, तो ये मैंने सोचा मैं आप लोगों के लिए क्लिप शूट कर लूँ, ज़रा जूम करके आप लोग ज़रा देखें कितने अच्छा कलर लग रहा था, चेक करें ज़रा मैक्रोनी का, इतनी टेम्पटिंग और इतनी अच्छी लग रही थी ना, आप लोगों को भी ये देख के आप लोगों के भी मुंह में पानी आ जाएगा, कितनी एक एक खिली खिली और कितनी अच्छी बॉईल हुई है। यहाँ पे फिर मेरी बहन ने मुझे कहा कि तुम इसको टेस्ट करो मैक्रोनी को, टेस्ट करके उसको बताई कि मैक्रोनी बहुत अच्छी बनी है, तुमने बिल्कुल परफेक्ट बनाई है। फिर आप लोग ये देखे, हमने 2 कंटेनर्स लिए, उसमें मैक्रोनी हमने अच्छी तरह फिल कर ली, और हमने इसी तरह इसको फिर फ्रिज में रख दिया ताकि सुबह हमें मुश्किल ना हो, आराम से हम गर्म करें और यूनिवर्सिटी के लिए ले जाएं। फिर अगर इस रेसिपी का अगर आप लोगों को लिंक चाहिए, या अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग भी इस तरह की बनाएं, तो मैंने इसकी रेसिपी पहले से रिकॉर्ड की हुई अपने चैनल पे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मैंने दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग जाके देखें और बनाएं घर में, सबको, बच्चों को, सबको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी, मस्ट आप लोग इसको वॉच करें, शेयर करें, और ये आप लोग देखें जितना इसका प्यारा कलर है, बहुत अच्छी बनेगी। चलें जी, काम तो सारा हो गया है, सबको खाना भी दे दिया, जिसने जो खाना था उसको बना के दे दिया है, अब मेरे सारे काम हो गए हैं ख़त्म, अब सिर्फ मैंने अपने बेड पे जाना है और जाके मैंने सोना है। तो ये मेरा आज का ब्लॉग था, पूरी मेरी रूटीन थी, आप लोगों ने देखा ही होगा कि मैंने पूरे दिन में मेरी क्या क्या मसरूफियत रही। तो आप लोग मेरी वीडियो को लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ अगर आप लोग चाहते हैं कि मेरे चैनल पे मज़े मज़े के आप लोग व्लॉग्स देखें, आप लोगों को डेली बेसिस पे मेरे व्लॉग्स मिले बहुत ही अच्छे और यूनिक और नए नए कॉन्सेप्ट्स के साथ, तो आप लोग ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे शेयर करें, और स्किप कर करके वीडियो को मत देखें, और मुझे इसी तरह सपोर्ट करते रहें। अब मिलते हैं अपने अलग और नए व्लॉग के साथ, अल्लाह हाफिज़।